नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम्स। तो एड्रीनल हार्मोन से अक्सर क्वेश्चन आता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको नीट सिलेबस के हिसाब से लिमिटेड रखूं। बीच में कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो कि थोड़ा नीट सिलेबस के बाहर हो सकती हैं, लेकिन आपका इस इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट आपका जनरेट करेगी ताकि आपको इसको समझने में आसानी आए। हालाँकि आई विल ट्राई टू बी एज पर्टिकुलर अबाउट द नीट सिलेबस एज पॉसिबल। प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्लैंड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वॉट वी थिंक। जब आप फर्स्ट ईयर MBBS में आएंगे PMT पास करने के बाद में, क्योंकि मैं ज़्यादातर PMT एस्पिरेंट्स को कहता हूँ कि PMT बेटा बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से एक डायरेक्टेड अप्रोच कीजिए। बहुत आसान में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद इट, लेकिन अगर आप एक सस्टेन्ड एफर्ट से चलते चले जाएंगे, आप एक स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी करते जाएंगे, तो नीट एंट्रेंस एग्जाम जो है आप एक सिस्टमिक तरीके से अप्रोच करके आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। असली प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है जब नीट क्वालिफाई होकर के आप मेडिकल स्कूल में जाते हैं और वहाँ एनाटॉमी जैसा सब्जेक्ट आता है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, एनाटॉमी रात को डरावने सपने के लिए जिम्मेदार होती है कई बार। सो देन द ट्रबल स्टार्ट्स। वहाँ पर आप बहुत चीज़ें जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो बाद में आप देखेंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है, वास्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। हालाँकि बिसाइड्स द पॉइंट, ये मैंने आपसे बात कहा, लेकिन आप अभी केवल किस पर ध्यान दीजिए, एड्रीनल फॉर नीट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो सबसे पहले जब हम किडनी फिजियोलॉजी कर रहे थे तो मैंने जब आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर किडनी का बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि किडनी के सुपीरियर पोल पर एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड को हमने कहा था एड्रीनल। सो अगर हम एक डायग्राम देखें दोबारा, तो अगर हम एक डायग्राम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन कहां पर है। सो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये पर्टिकुलर एक किडनी है। किडनी में आपको इसके लोब्स दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम पर हमने बताया था किडनी का लोबुलर स्ट्रक्चर, चारों तरफ एक रीनल कैप्सूल होगा, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल है, ये यूरेटर बाहर निकल रहा है, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, और इस जगह को आपने कहा हाइलम। ये सुपीरियर पोल है किडनी का, और इन सुपीरियर पोल्स पे आप देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को आपने कहा है एड्रीनल। एड्रीनल का मतलब है एडजेसेंट टू द किडनी। सो ये एक राइट एड्रीनल ग्लैंड, ये एक लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। सो पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एट द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी, एंड यू लुक एट द ग्रॉस एनाटॉमी। बीच वाले पार्ट को आपने क्या कहा है, जब आप कट सेक्शन देख रहे हैं मेडुला, और बाहर वाले पार्ट को आपने क्या कहा है कॉर्टेक्स। तो मैं आपको ये डायग्राम दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए, अगर मैं कट सेक्शन करूंगा तो कट सेक्शन में बाहर वाले पार्ट को आप कहेंगे कॉर्टेक्स और बीच वाले पार्ट को आप कहेंगे मेडुला। तो अगर आप इसको एनलार्ज करके देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्या है कॉर्टेक्स है, नीचे क्या होगा मेडुला होगा। सो हम इस ग्रॉस एनाटॉमी में ये समझ गए कि एड्रीनल को जब आप कट सेक्शन करते हैं तो सेंटर में इसके होता है एड्रीनल मेडुला और बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बहुत सारे रीजन है जैसा आप देख रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, और ये जो नीचे वाला डार्कर पार्ट है इसको आपने कहा है मेडुला, और मेडुला कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। सो इस बेसिकली ग्रॉस एनाटॉमी के बाद में, सो हमने क्या देखा, पहली चीज हमने देखा कि व्हाट इज द लोकेशन। सो इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड एंड इट इज लोकेटेड एट द सुपीरियर पोल ऑफ किडनीज। सो ईच किडनी सुपीरियर पोल, देयरफॉर देयर आर टू एड्रीनल ग्लैंड्स। नंबर टू, हमने ये कहा कि जब आप इस एड्रीनल का कट सेक्शन देखेंगे तो इसमें जो बीच का पार्ट है इसको हमने कहा है एड्रीनल मेडुला, इस पार्ट को हमने कहा है एड्रीनल मेडुला, और बाहर वाले पार्ट को हमने कहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब आप इस कट सेक्शन की बात कर रहे हैं तो बीच में एड्रीनल मेडुला है और बाहर क्या है कॉर्टेक्स है। एंड अब जो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एड्रीनल मेडुला। सो जिस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड की हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं वो है एड्रीनल मेडुला, जो कि सेंटर में है एड्रीनल ग्लैंड के। और ये जो एड्रीनल मेडुला है ये आप जानते हैं इट इज फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर आपको नर्वस सिस्टम से याद आ रहा है तो सिंपैथेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज अ थोरैको लंबर आउटफ्लो।
तो ये अगर सर्वाइकल वर्टिब्रे है तो ये थोरैसिक है, और ये लंबर है तो दो पैरा वर्टिब्रल चेन्स होती हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, और जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है सिंपैथेटिक सिस्टम का वो शुरू होता है थोरैसिक एंड लंबर स्पाइनल सेगमेंट से, किस तक आता है गैंग्लियन तक, और उसके बाद किस तक जाता है ऑर्गन्स तक। लेकिन हमने उस टाइम आपको बताया था कि जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है एड्रिनल मेडुला का, वो यहाँ पर साइनैप्स नहीं करता और वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है एड्रिनल मेडुला में। सो इसलिए एड्रिनल मेडुला को ही आपको एक तरह का सिंपैथेटिक गैंग्लियन समझना चाहिए, और एड्रिनल मेडुला जो कि नर्वस टिश्यू का बना है उसके न्यूरॉन्स को आपको पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स कंसीडर करना चाहिए। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज अंडरस्टैंड द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स टू द एड्रिनल मेडुला कमिंग आउट ऑफ द थोरैकोलंबर आउटफ्लो डू नॉट साइनैप्स इन दीज पैरावर्टिब्रल चेन ऑफ द गैंग्लिया, दे डू गो डायरेक्टली टू द एड्रिनल मेडुला, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग दैट फंक्शनैलिटी वाइज द एड्रिनल मेडुला शुड बी कंसीडर्ड एज अ sort of sympathetic ganglion, and the neurons that are forming the substance of the adrenal medulla must be considered as the post-ganglionic neurons. So, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये functionally related है किससे, sympathetic nervous system से। So, अब हम ये देखते हैं कि ये basically secrete क्या करता है। So, what are the hormones that are actually secreted by adrenal medulla? Now, these hormones, they are categorized as catecholamines. हम इनको इस ये जो सिक्रीट करता है इसे हम क्या कह रहे हैं, कैटेकोलामीन्स। और कैटेकोलामीन्स में अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो मेरे पास दो हार्मोन्स हैं, एक को मैंने कहा है एड्रिनालीन, जिसे मैं एपिनेफ्रिन भी कह सकता हूं, ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स आपको एपिनेफ्रिन बोलेंगी, अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स आपके लिए एड्रिनालीन बोलेंगी, दोनों सिनोनिमस हैं। या सिक्रीट करता है नॉर एड्रिनालीन, या इसे हम कहेंगे नॉर एपिनेफ्रिन। और ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करते हैं, हमने नर्वस सिस्टम में देखा। मैं अभी तीसरे कैटेकोलामीन की बात नहीं कर रहा हूँ, लीवोडोपामीन की, डोपा की बात नहीं कर रहा हूँ, डोपामीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। तो आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू टू सिक्रीशंस ऑफ द एड्रिनल मेडुला विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटेकोलामीन्स। वन इज एपिनेफ्रिन और एड्रिनालीन, द सेकेंड इज नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनालीन। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करूं, सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में नॉर एड्रिनालीन ज़्यादा रिलीज होता है और एड्रिनालीन कम, लेकिन उल्टा है अगर ये रिलीज किससे होते हैं, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला रिलीजेज मोर एड्रिनालीन एंड लेस नॉर एड्रिनालीन, सो मच सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द एड्रिनालीन इन योर बॉडी इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। सो सर्कुलेटिंग एड्रिनालीन का ज़्यादातर पार्ट एक्चुअली कहाँ से आता है, एड्रिनल मेडुला से आता है, और सर्कुलेटिंग नॉर एड्रिनालीन का ज़्यादातर पार्ट डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से आएगा। सो आई होप दिस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनालीन एंड नॉर एड्रिनालीन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है एड्रिनालीन, और कम क्या प्रोड्यूस करता है नॉर एड्रिनालीन या नॉर एपिनेफ्रिन। सो हम इस हार्मोन को देखते हैं एड्रिनालीन को। सो एड्रिनालीन के अगर आप इफेक्ट्स देखेंगे, सो एड्रिनालीन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इधर देखिएगा बड़े ध्यान से। एड्रिनालीन, जब आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो लिस्ट देखी थी जिसमें हमने आपको सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक फंक्शंस बताए हैं, तो जितने भी सिंपैथेटिक फंक्शंस हैं वो किसके फंक्शंस होंगे, एड्रिनालीन के फंक्शन होंगे। अगर मैं शुरू करूं आई से, तो आई में डाइलेशन ऑफ प्यूपिल, सो बेसिकली इट विल कॉज, आई में अगर मैं बात करूं इट विल कॉज डाइलेशन ऑफ प्यूपिल। नंबर टू, इट विल कॉज रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी बॉडी and therefore will make lens weak. इसकी वजह से लेंस कैसा हो जाएगा, वीक। वीक का मतलब होता है लेस रिफ्रैक्टरी। दिस इज द फंक्शन ऑन द आई ऑफ एड्रिनालीन। नंबर वन, डायलेट प्यूपिल। नंबर टू, मैंने आपसे क्या कहा, सीलियरी बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स, जिसकी वजह से जो जोनरी या सस्पेंसरी लिगामेंट्स है उसकी पुल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लेंस लेस स्फेरिकल या फ्लैट या लेस रिफ्रैक्टरी या वीक हो जाता है। सो ये बात मुझे समझ में आ गई है। नंबर टू, अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर। इट इज़ अ ब्रोंको डायलेटर, मैंने आपसे कहा था एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस एस्मेटिक, उसमें आप क्या दे सकते हैं, एड्रिनालीन, और ये एड्रिनालीन बहुत जल्दी ब्रोंको डायलेशन कर सकता है। नंबर थ्री, अगर आप हार्ट पे इसका असर देखें, सो हार्ट पर इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव
क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, क्रोनोलॉजी का मतलब नंबर से हो गया, सो हार्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, आयनो का मतलब स्ट्रेंथ से हो गया, सो दैट मीन्स इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट सो मच सो कि अगर एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा होगा सो यू कैन हियर एक्चुअली योर हार्ट बीट्स वॉट आर कॉल्ड एज पाल्पिटेशंस, आप इसको क्या कहते हैं, पाल्पिटेशन कहते हैं, सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर बीटिंग हार्ट, अगर आपके कान में आपके बीटिंग हार्ट की आवाज़ आ रही है तो यू आर हैविंग पाल्पिटेशन, और ये पाल्पिटेशन किसकी वजह से हो सकता है, एड्रेनलिन की वजह से हो सकता है। नंबर टू, ये जनरली ग्लैंड्स पर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, इट विल डिक्रीज सिक्रीशन, सो दैट मीन्स सलाइवा सिक्रीशन भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है। नंबर टू, GIT में भी ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम हो सकता है और डिक्रीज क्या हो सकती है, पेरिस्टेल्सिस क्या हो सकती है, कम हो सकती है, सो दैट मीन्स सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्चुअली इनहिबिटरी टू द गट, इट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दैट एक्चुअली एक्टिवेट्स द गट, और ये हमने क्या कहा है, ये डिक्रीज करेगा। और अगर हम जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो हमने ये देखा था कि इट कॉजेज रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये इसकी वजह से क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये देखा था कि दिस विल लीड टू द इजैक्युलेशन ऑफ द सीमन, सो दैट मीन्स एड्रेनलिन विल लीड टू इजैक्युलेशन ऑफ सीमन। सो अगर मैं ब्रॉड बात करूं कि इट इज़ फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक सिस्टम, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये सारे फंक्शंस जो कि जनरली हम एट्रीब्यूट करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को, और सिंपैथेटिक सिस्टम में जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व है वो एड्रेनलिन है, सो एड्रेनलिन के ये असर होने चाहिए। एक चीज़ और देखिएगा, एड्रेनलिन के एक कुछ और असर समझिएगा, एड्रेनलिन का असर इसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एड्रेनलिन कॉजेज बोथ वेजोडाइलेशन एट सम प्लेसेस एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एट अदर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस विल बी बिकॉज द न्यूरो ट्रांसमीटर और द हार्मोन इज द सेम, तो फिर वो दो ब्लड वेसल्स पर अलग अलग असर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो एड्रेनलिन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आप फर्स्ट ईयर MBBS में देखेंगे, इसीलिए किसी टाइप के अगर रिसेप्टर से वो बाइंड करता है तो वेजोडाइलेशन करता है, किसी दूसरे तारीख के टाइप के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और वेजोडाइलेशन वो करता है बेसिकली हार्ट में और स्केलेटल मसल में, यहाँ पर तो वो क्या करेगा, वेजो डायलेशन, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली स्किन में, सो इसका मतलब चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा और ज़्यादा ब्लड आप डाइवर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, हार्ट में और स्केलेटल मसल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल एड्रेनलिन का बताया। और एड्रेनलिन का एक असर बड़े ध्यान से देखिए, एड्रेनलिन प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको याद करा दूं, हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और इसकी वजह से इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो ये पूरा स्पेक्ट्रम आपने देखा कि एड्रेनलिन के बहुत सारे क्या हैं, असर हैं, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट असर मैंने आपको बताए। और तीसरा, आप इस तरफ ध्यान रखिए कि हार्ट रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो अब ये सोचिए कि जब भी ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, सो देयर इज अ मास डिस्चार्ज, और बहुत सारा एड्रेनलिन एक साथ रिलीज हो जाता है। सो जब एक साथ एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है तो ये सारे असर एक साथ होंगे, और इसका मतलब अचानक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, दैट मींस यू हैव मोर एनर्जी अवेलेबल टू यूज, और अचानक आपकी जो स्केलेटल मसल है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो उसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और आपका दिल के धड़कन का क्या हो गया, तेज हो गया, और आपको पाल्पिटेशन समझ में आनी शुरू हो गई है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आपकी आँख फटी की फटी रह गई, चेहरा सफ़ेद हो गया, आपको हार्ट आपको अपना पाउंडिंग सुनाई दे रहा है, और अचानक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। नाउ यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ द मास डिस्चार्ज दैट दिस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन is associated with what is called as the flight or fight response. तो हम इस रिस्पॉन्स को क्या कह रहे हैं, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कह रहे हैं। ये हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एड्रेनलिन के साथ में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारा एड्रेनलिन एक साथ रिलीज होता है, और वो ये सारे जब इस असर एक साथ करता है, तो जब आप इमरजेंसी सिचुएशन को आप क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एक बड़ी हंसी की बात मैं आपको बताता हूं, आप चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में शेर का पिंजरा है, और आप उससे मस्ती कर रहे हैं, उसे छेड़ रहे हैं शेर को, और अचानक आपने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अब आपकी समझ में आ गया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। एकदम आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा, चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा, आपको बहुत महसूस होगा कि यहाँ से भागने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और आप वहाँ से फ्लाइट रिस्पॉन्स लेंगे। इसमें आपकी मदद किसने करी है, एड्रेनलिन ने की है, शेर से तेज़ दौड़िएगा, जान बच जाएगी। सो आई होप दिस इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट एड्रेनलिन।
अगर एक छोटी सी बात मैं नॉरएड्रेनालिन के लिए करूंगा, नॉरएड्रेनालिन के भी यही करीब करीब असर होंगे, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड नॉरएड्रेनालिन हैज मोर इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स रादर देन हार्ट, एंड एड्रेनालिन हैज मोर इफेक्ट ऑन हार्ट रादर देन ब्लड वेसल्स. सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड द एड्रीनल मेडुला. सो एड्रीनल ग्लैंड के जिस पर्टिकुलर पार्ट की हमने बात की है, एड्रीनल मेडुला की, और हमने देखा कि ये कैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो कैटेगोल अमीन प्रोड्यूस कर रहे हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है एंड हाउ दे आर एसोसिएटेड विद फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी एज वेल. अगर डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एड्रीनल मेडुला से. सो जनरली आपकी बॉडी दो तरह से काम करती है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर कोई चीज़ बहुत ख़राब है तो उसके रिसेप्टर्स बढ़ा दीजिए ताकि आपको जल्दी पता चल जाए और आप करेक्शन जल्दी कर सकें, और फिर फेल सेफ सिस्टम कि अगर एक जगह से गड़बड़ हो जाए तो दूसरी जगह से उसको सिक्रिएट करके उस फंक्शन को किया जा सके. तो हम यहाँ पर एक फेल सेफ अप्रोच देख रहे हैं एड्रीनल मेडुला, लेकिन फ़र्क ये है कि एड्रीनल मेडुला ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है एड्रीनलिन, और कम क्या प्रोड्यूस कर रहा है नॉरएड्रेनालिन, और एड्रीनलिन का ज़्यादा असर किस पर है हार्ट पे, कम किस पे है ब्लड वेसल पे, और नॉरएड्रेनालिन का ज़्यादा असर किस पे है ब्लड वेसल पे, और रिलेटिवली कम किस पे है हार्ट पर है. सो जब मैं वापस आऊंगा, सो वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स. थैंक यू. कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं. हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए. हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है. ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है. साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं.